काटा लूप्स, काटा लूप्स। अच्छा, और पीछे जिस दुकान में हम लोग चाय और मैगी खाए थे ना, वो बोला था कि आपको कुछ 21 लूप्स पार करना है। लूप क्या होता है ये तो मुझे पता है नहीं, देख लेंगे अभी। फर्स्ट लूप आ गया, लूप करके कुछ वेरी ब्यूटीफुल। पीछे जो रास्ता है ना वही है लूप, मतलब घूम घूम के जो ऊपर उठ चढ़ते हैं ना उसी को मुझे लग रहा है लूप बोलते हैं। तो 21 बार हमें घूमना पड़ेगा अभी, अभी 10 बार तो हो चुका होगा, अभी और 10 11 बार और करना पड़ेगा। ये वाला पहाड़ी भी देखो कितना सुंदर लग रहा है, जैसे लकड़ी का बना हुआ है ना। निकाल लिया लेफ्ट साइड से कैसे भी करके, कुछ बातचीत कर रहे थे वो दोनों ड्राइवर। तो देखो ट्रैफिक जैम लग गया है, 3-4 गाड़ी हिले हैं लाइन पे लग गई। वाओ ब्यूटीफुल, देखो आगे माउंटेन्स देखो भाई कितना अच्छा है। दाखी भी नजारे यू नीड टू बी सो मच सर्व। देख रहे हो अचानक से कहां से ट्रक भागते हुए आता है, यू हैव टू बी अलर्ट, शार्पली अलर्ट। ओ देखो मेरा प्रो राइडर कहाँ चला गया भाई, हमें रुकना है 170 पे, अभी 154 हो गया है। अभी हम किलोमीटर वाइज डिसाइड कर चुके हैं कब कब रुकना है, तो मेरा 170 हो जाएगा अभी इसमें तो हम रुकेंगे। तो मेरा प्रो राइडर अभी बोल रहा है कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा चला के, मुझे थोड़ा तेज़ चलाना है। ठीक है ठीक है, फिर आप जाओ, और जब मतलब मेरा 170 होगा उनका होगा 180 या 80 कुछ होगा। ठीक है तो उसमें रुक जाना, फिर मुझे भी थोड़ा पता चलेगा, पता रहेगा कि कहाँ पे कितने दूर में वो है। तो ये प्लानिंग है, बाकी देखो आसपास पीछे आगे पीछे कोई कुछ नहीं है, थोड़ा फीलिंग आता है लगता है सोलो राइड कर रहे हैं। दोनों आ गए आसमान के सामने, कैसे पार होगा देखो। तो है मतलब रोड का, तो ये लोग शायद रोड का अपडेट लेते हैं, ऐसे गाड़ी ऐसे खड़ी करके एक दूसरे से बात करते रहते हैं रोड का क्या अपडेट है आगे क्या है नहीं है। ऐसे हम बाइकर्स भी करते हैं, तो हमारा तो चलो एक दो दिन का शौक, हमारा तो पूरे साल भर का काम ही है, तो मस्ट गिव देम टाइम टू शेयर इंफॉर्मेशन ईच अदर। चलो चाचा
पेट्रोल तो लग रहा है 1 लीटर कम ही हो गया है। तो आगे जो गाड़ी जा रही है ना उसको ओवरटेक नहीं हो पा रहा है बहुत देर से। मेरे हिसाब से जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, जब पोजीशन होगा वो ऐसे ही रोड रास्ता नहीं छोड़ देंगे। कोई नहीं, जस्ट वेंट एंड वॉच की डिस्टेंस। टुकटुक देखो ये नज़ारे, अरे पेट्रोल तो 1 लीटर खाली हो गया, 1 लीटर तो पेट्रोल कम हो गया लग रहा है। चलो किया ने अपना सेल्टोस भाई पीछे किया है गाड़ी, क्योंकि इधर पास देने के लिए जगह ही नहीं बच रहा है। सेल्टोस भाई सेल्टोस, चलो हम लोग निकल लेते हैं। एक्सट्रीम, वाओ हीरो एक्सट्रीम लेके आ गया भाई। वैसे वो 160 सीसी वाला है, मेरा तो 150 सीसी का है। आगे देखो भाई, उसने बाइक गिर गया कि गिरा दिया, पता नहीं चल रहा है, कुछ तो हुआ होगा। आजकल सब व्यूज पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, कुछ भी हो हेल्प कर देंगे। अगर साथ में है, साथ में है, चलो देखो कैसा है। देखो भाई एक ट्रक आएगा तो और कोई जगह ही नहीं बचता है। अरे यार मैं सुपरवाइजर खुला हूँ, धुआं खा गया मैं बहुत ज्यादा। आगे लो, थैंक यू। कहाँ से हो आप? आप कहाँ से? उत्तराखंड। हाँ क्या क्या चॉकलेट से आओ? वुड लाइक टू ईट सम चॉकलेट्स? या वेट वन सेकेंड। थैंक यू। ओके या ऑफ कोर्स, थैंक यू। प्यास लग रहा था वैसे मुझे। वेयर फ्रॉम? जयपुर राजस्थान। राजस्थान? या जयपुर। या बिजनेस जयपुर। ओके ओके, व्हिच बिजनेस? जापान मार्केट। ओके ओके ओके, राजस्थान जयपुर। ओके ओके ओके। I was very thirsty. What is this? This is Buddhist. Okay, thank you. Okay, bye.
तो आपने देखा ही होगा अभी क्या हुआ। बंदा वो उत्तराखंड से था, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा था एक्चुअली, लेकिन उसी टाइम पता नहीं ये मसिया बोलते हैं ना इनको, और उसी टाइम उन्होंने अपना गाड़ी रोका, एक पानी बोतल दिया, मेरा आगे वाला मेरा पार्टनर जो वो भी पानी पी रहा है प्यास लग रहा था लेकिन रुका नहीं कि हमें किलोमीटर कंप्लीट करना है, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा ना, तो और हमें स्टे नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत ठंड बहुत ज़्यादा है इधर। तो बहुत अच्छा लगा उन्होंने मेरा तो पानी पिलाया, तो उसके बदले में हमने उनको चॉकलेट खिलाया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ वो दिया है, भगवान का कुछ लॉकेट मतलब चेन वगैरह कुछ दिया है, की चेन टाइप का, तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, एक नंबर, गजब फीलिंग, बढ़िया आदमी बढ़िया था। कितना पानी बोतल लेके निकला होगा? नहीं, एनफील्ड वालों को नहीं दिया, उसको जो सही लग रहा है उसको मतलब दे रहा है। पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा है धीरे धीरे, कम हो रहा है धीरे धीरे, चलो कोई नहीं देख लेंगे। अभी जो आपने लोड देखा इससे भी ज़्यादा ख़राब था इससे पहले, तो वो वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं घुस गया था उस टाइम जस्ट उसके अंदर, तो पीछे मेरा एक होंडा सिटी खड़ी थी, तो मैं गया मेरा ऑन करने के लिए, मुझे मौका नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, आगे भी और अभी मुझे लग रहा है रोड तो कंडीशन नहीं है, वैसे अच्छा लग रहा है इस रोड में, हाईवे में क्या है और इसमें क्या है, दिमाग चलते रहता है, इधर से लेना है गाड़ी उधर से लेना है, हाईवे में तो बस पकड़ के बैठे रहो उसमें बोर हो जाता है बंदा, यही वाला अच्छा है, ऐसा होना चाहिए रास्ता तो एडवेंचरस। देख रहे हो ये देखो भाई सब चाहे तो जाए किधर से, आई गॉट लेट, वाह वाह वाह।